जय माता की, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है जय सिंह। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार माननीय BS चौहान जी। जय माता की, जय हिंद, जय भारत। हम दोनों की ओर से आप सभी फेसबुक और यूट्यूब के दर्शकों का हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। पंडोखर बाबा उर्फ गुरुशरण शर्मा का पोल खोल अभियान सतत चल रहा है, और जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय पत्रकार महोदय के पास सैकड़ों लोग फोन करके अपनी व्यथा सुनाते हैं कि कैसे गुरुशरण शर्मा ने उन्हें धर्म के नाम पर एक जो जाल बिछा रखा है उसमें फंसाया और लाखों रुपए लूटे। सर, उस चीज़ को, उस बात को फेसबुक में डालते हैं, यूट्यूब में डालते हैं, लोग सुनते हैं और जागरूक होते हैं। उसके साथ साथ कई बार लोग फोन करके पंडोखर बाबा के चमचे कहें या उनके द्वारा जो भी जिनको भी समझाया जाता है धमकाते भी हैं माननीय पत्रकार जी को। तो दर्शकों ने डिमांड भी करी थी, दर्शकों ने कहा भी था कि आप ये पोल खोल अभियान रोकना मत, और ये भी कहा था कि आप बिक मत जाना, उनके ऑफर में मत आ जाना। तो सर, ये बताइए कि जो धमकी वाले कॉल्स थे क्या वो भी दर्शकों को सुनने को मिलेंगे, और किस तरह के कॉल आते हैं धमकी वाले जो होते हैं? हाँ, आप सही प्रश्न आपने किया जी है। ये धमकी से संबंधित कॉल तो कई आए हैं और मैं उसको नॉर्मल वे में लेता था और उसको डिलीट कर देता था। पर एक सज्जन है, मुझे लगता है कथावाचक होनी चाहिए क्योंकि उनकी वेशभूषा जो थी, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप में एक मैसेज डाला कि जी क्या हुआ। एक दिन वीडियो नहीं पड़ा था तो उन्होंने कहा, क्या हुआ चौहान जी, इस समय बहुत शांति हो गई है और ऐसा तो नहीं है कि आप भी कुछ हल्ला मचा के सब्सक्राइबर के लिए इसके बाद बिक जाए। तो अच्छा। मुझे बड़ा अजीब लगा, मैंने उन्हें मैसेज दिया कि मैं परमहंस योगिराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज का शिष्य हूँ। उन्होंने मुझे इतनी क्षमता दी, इतना आत्मविश्वास दिया है कि बिकने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। मैंने जो अधर्म के विरुद्ध धर्म का एक बिगुल फूंका है उसमें बैक होने की तो कोई गुंजाइश होती नहीं है, जी जिसमें मैं देख रहा हूँ कि आम जनता लूटी जा रही है और वो देख के भी अगर मैं चुप रह जाऊँ ऐसा संभव नहीं है। जी पहले तो मेरे ध्यान में आता था कि ये वीडियो इस तरह की डालना क्या ठीक रहेगा, कि मुझे धमकी भरे वीडियो आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं, और मैं उन्हें हटा भी देता था। अच्छा। पर मुझे लगा कि मुझे ये भी डालना चाहिए जिससे लोगों को पता चल सके कि नहीं, ऐसा नहीं है कि धमकाए भी जा रहा है, प्रलोभन भी दिए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो एक अभी पुराना वीडियो तो मेरे पास होंगे, कई हैं, उसमें एक बात और आती थी, जो मैं वीडियो जो डालता हूँ तो आप देखते होंगे बहुत स्पीड से नहीं डालता, पर डे एक ठो डाल देता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे पास एक ही आ रहा है, ये कहाँ गड़बड़ हो गई। 22 तारीख के बाद बहुत लोगों से उनके एविडेंस लेके नष्ट किए गए हैं और बीच बीच में भी ये एविडेंस नष्ट करते थे। जी जैसे ही कोई उनसे मिलता था तो वो मेन पर्ची होती थी उसको नष्ट कर देते थे या उनसे ले लेते थे। हाँ तो इसकी वजह से बहुत से कॉल्स आते हैं कि हम तो वहाँ गए हैं पर वो हमारे साथ कोई एविडेंस है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो नष्ट कर दिया। अब हम आपको क्या दें, हम अपनी आपबीती बता रहे हैं, जी आप उसे चाहे तो डाल दें। मैं ऐसे कॉल्स को नहीं डालता रहा हूँ, मेरे पास अभी भी 500 कॉल्स रखी होंगी, पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसी कॉल्स भी डालनी चाहिए क्योंकि मेरे दिमाग में था कि कोई ये ना कह दे कि जब आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं कि पंडोकर धाम लूटे गए हैं, हाँ, गुरुशरण शर्मा ने लूटा जब प्रूफ होते हैं तब भी है। कई लोग कह देते हैं, अब वो कौन से लोग हैं नहीं मुझे नहीं पता, पर वो कह देते हैं कि अभी इसमें प्रमाण पूरे हैं ही नहीं, जबकि उसमें उसके हाथ का लिखा पर्चा, अमावस की पर्ची, प्रथम अर्जी और जितने भी सबूत होते हैं सब उस वीडियो में उपस्थित होते हैं। बिल्कुल, इसके बाद भी लोग ऐसा कहते हैं तो यही सोच के मैं नहीं देता था, पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वह भी लोगों की कॉल से डालनी चाहिए। जी और बिल्कुल। मैं एक बार अपने मित्रों से सलाह करके अगर सभी लोग उसके लिए इजाज़त देंगे तो ज़रूर भी हम वीडियो डालेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हम किसी अपने व्यक्ति से एक से कहलवा देंगे, दो से कहलवा देंगे, पर वहाँ की सारी डिटेल्स देते हुए अगर वो अपनी बात कह रहे हैं
तो कोई गलत नहीं कहेगा, क्यों, क्योंकि उनसे कोई पर्सनली तो ऐसा है नहीं है, कहीं ना कहीं जो प्रताड़ित हैं वही व्यक्ति इस तरह कहेंगे। इसी के बीच में एक कॉल्स ऐसी भी आ रही हैं जो मुझे धमकी देती हैं और कहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, इसको बंद कर दो नहीं तो आपके लिए बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो मैंने कहा जो गड़बड़ होना होगा हो जाएगा, अब इस कार्य को तो मैं नहीं रोक सकता। और अभी आज एक कॉल और आ गई जिसने मुझे धमकाया, तो मैंने उसे समझाया कि अगर आप इस तरह से धमकाएंगे तो पहले तो आप मुझे बताइए कि कौन बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं, तो मैं ये वीडियो भी बना के डाले दे रहा हूं। तो वो सकपक आ गया। हाँ। तो उसने अपना नाम गलत बताया और डेस्टिनेशन जगह भी गलत बताई। मैंने कहा ठीक है, आपका नंबर तो मेरे पास आ ही गया है, आप जो धमका रहे हैं कि मेरे लिए गलत हो जाएगा, तो गलत किसके लिए होगा तो एक अलग मैटर है, पर ये आपके लिए ज़रूर गलत होने वाला है, क्योंकि मैं ये पूरी कॉल्स रिकॉर्ड करके थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगा और इस नंबर से आपका सारा डिटेल्स मिल जाएगा कि आप कौन हैं कहाँ हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा किसी को धमकाने का नतीजा क्या होता है जी। और मैंने कहा आप जो भी बोलना है बोलिए। तो व्यक्ति सकपका गया, वो मैं क्या करूँ, तो उसने कुछ समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा और करके काट दिया फोन। वो मैं आपको उसी की जबानी आपको सुनाऊंगा, और वो मैं नंबर भी दे रहा हूँ, वो नंबर भी मैं दे दूंगा किस नंबर से कॉल आई थी, जिससे आप लोग संपर्क करना चाहे कर लें कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा था, या जैसा भी है जिससे पंडुक सरकार भी देख ले कि इस नंबरों से मुझे कॉल आ रही है और मैं भविष्य में भी कुछ और धमकी वाले वीडियो डालूंगा। पंडुकर बाबा जी में मुकर जाते हैं, उनका कहना है कि कोई धमका रहा या कोई ऑफर दे रहा है तो मेरा आदमी नहीं है वो। अब उनका आदमी नहीं है तो उसके लिए तो हम कुछ नहीं कहते, पर जो मुझसे बात हुई है समाज के बीच में तो हमें रखना पड़ेगा ना जी। बिल्कुल, जब आप प्रमाण रखेंगे तभी समाज समझ पाएगा कि सच में ऐसे कॉल्स आते हैं या नहीं आते हैं। तो हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं, आप लोग सुनिए किस तरह से पत्रकार महोदय से धमकी भरी कॉल से बातचीत हुई है, ये रही। हेलो, हेलो, जय माता की। हेलो, जय माता की। चौहान जी बोल रहे हो? हाँ हाँ, पंडोखर के बारे में क्या जानते हो आप? मैं कुछ भी नहीं जानता है? मैं नहीं जानता कुछ भी, लोग जो जानते हैं वो मुझे बताएं, वो वीडियो मैंने बना के डालेंगे। अच्छा हाँ। आपको क्या जानना है, चलो मेरे साथ मैं आपको बताता हूँ। आप क्या जानते हो बाबा के बारे में, क्या जानना है आपको? मुझे कुछ कुछ वीडियो डाल के बना करके डाल देते हो? हाँ, वीडियो जो बना के डाल रहे हैं लोग, वाकई जो वहाँ गए हैं जिन्हें परेशानी हुई है उन्होंने जो बताया वो डाल गया है, उसमें अलग से कोई बना के नहीं डाला गया है। आप बहुत बड़े परेशानी में आ जाओगे, है ना? ऐसा है यार, ये धमकी हमकी वाला तो सिस्टम बनाओ नहीं, तो ये तुम्हारी भी वीडियो में डालूंगा। आपका नाम क्या है? नाम क्या है आपको बताइए जरा, क्या जानना है बाबा के बारे में आप? चलो मैं नहीं, आप बताओ आपका नाम क्या, कहाँ से बोल रहे हैं? सौरभ बोल रहा हूँ। सौरभ? सौरभ कहाँ से? छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। अच्छा, तो परेशानी में मैं आऊंगा या तुम आओगे ये तो किसी को पता नहीं है, इसलिए ज्यादा धमकी वाला जो है अपनी जेब में रखो। सुन मेरी बात, सुन मेरी बात, समझ रहे हो ना? ये और सुनो, ये नंबर तो तुम्हारा आ ही गया है, मैं इसी में कंप्लेन डालूंगा तो अपने आप तुम्हारा पता चल जाएगा तुम कहाँ से बोल रहे हो, कौन बोल रहे हो। मेरी बात बोलो, तुम बोलो, जितना बोलना है बोल लो, मैं अभी सीधी सीधी थाने में तुम्हारी भी कंप्लेन करता हूँ। बोलो क्या बोल रहे हो? आप ऐसे वीडियो मत बनाओ बाबा के बारे में, ठीक है? और बोलो जो जो तुम्हें बोलना है बोल लो, ढंग से बोलो। ठीक है, आपने एक कॉल सुनी, उसका स्थिति आप अपने आप आकलन करिएगा कि ये तो कॉल बहुत कम थी, इसमें तो गाली गलौज नहीं थी। हाँ, गाली गलौज वाली भी कॉल्स है जी, बिल्कुल। तो वो क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं डालूं, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इसमें गाली गलौज के पहले ही मैंने उसको बता दिया था कि मैंने रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आगे उसकी बढ़ने की हिम्मत नहीं पड़ी। और ये साफ सुथरी कॉल है जिसको मैं आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन स्पष्ट हो जाता है कि इसमें आपको स्पष्ट धमकी दी गई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ ही आप सभी लोगों से हम लोग विदा लेंगे अगले वीडियो के लिए, और हम बहुत जल्द ही एक नया वीडियो, जो हमने वीडियो कॉल के माध्यम से पूरी वार्ता हुई है और उनकी क्या सोच है जरूर डालेंगे जी, बिल्कुल। और एक वो भी संत है, नागा स्वामी है, नागा संत है, उन्होंने क्या आपने अपनी बात रखी वो भी हम डालेंगे। इसी के साथ ही जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय भारत।